Hey everyone, welcome to Spillbee. Let's talk about how you get brainwashed by these celebrities. Like for example, आपकी कोई favorite heroine होगी and you might feel कि you like her because she is humble, kind, amazing human being and what not. But have you ever wondered कि तुम एक actress जिसे कभी personally मिले भी नहीं हो, उसके personality के बारे में ऐसे conclusions तुम्हारे mind में कैसे बने? और इतना ज़्यादा अटैचमेंट तुम्हें कब हुआ कि इंटरनेट पे अगर कोई उसके बारे में गलत बोल दे तो तुम उससे लड़ने भी चले जाते हो? क्योंकि जितना मुझे पता है, अनजान लोगों के बारे में ऐसे कंक्लूजन्स जनरली हम नहीं बनाते, ना ही उनसे इतना अटैच होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटीज, फटाक से एक एडजेक्टिव आता है उन्हें देख के। फॉर एग्जाम्पल, सारा अली खान को देख के यू मे क्विकली से डाउन टू अर्थ एक्ट्रेस है और हम्बल है और समथिंग सिमिलर। सोनम को देख के यू मे से शी इज रूड। करीना को देख के यू मे से एक्सेलेंट एक्टिंग स्किल बट शी हैज एन एटीट्यूड। श्रद्धा को देख के आप बोल सकते हो कि शी इज़ द स्वीटेस्ट वन। इवन आलिया ने जब डेब्यू किया था तब मोस्टली उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि वो स्टूपिड आंसर्स देती थी, पर सडनली नाउ पीपल लव हर एंड देर इज दिस ड्रास्टिक शिफ्ट इन देयर ओपिनियंस। तो ऐसा क्यों? तो लेट मी टेल यू, इट इज़ बिकॉज यू आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। अभी इवन आई हैव माई फेवरेट्स, ओके, बट दैट डजेंट मीन कि आई विल ओवरलुक द माइंड गेम्स दैट देयर टीम इज प्लेइंग। तो आई वुड सजेस्ट टू यू कि अगर आपका भी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है तो आपका जो वो सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए वो साइड में रख के ही होता है। कीप दैट बायसनेस असाइड, क्योंकि एज आई सेड यू डोंट नो देम पर्सनली, तो डोंट गेट वे टू इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट देम, बिकॉज आई हैव सीन दिस टेंडेंसी इन क्लोज माइंडेड पीपल कि जनरली दे डू नॉट हियर द होल आर्ग्यूमेंट एंड जस्ट राइट कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना जो अटैचमेंट हो रहा है तुम्हें वो एक्ट्रेस के लिए वो सब एक पीआर गेम है। नाउ व्हाट इज पीआर? इट इज पब्लिक रिलेशंस। Mostly all the A-list celebrities have their PR team in place. अभी ये लोगों का काम is image building, image correction and maintaining a positive narration about celebrities in media, so that जब audience ये सब देखे तो वो celebrities को पसंद करने लगे। एक example लेके समझाओ तो let's consider दीपिका पादुकोण। Just randomly I'm taking her। कोई भी celebrity ले लो, उनका PR team works in the similar way। अभी समझो आप एक person हो जो बहुत neutral है when it comes to दीपिका। ना उसे आप ना पसंद करते हो, ना उसके fan हो। You are just okay with her। तो होता क्या है कि ये पीआर टीम पॉजिटिव बातें ये सेलिब्रिटीज की सब जगह पुश करती है, सो दैट ऑडियंस कैन बी मैनिपुलेटेड। लाइक बीच में जब इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल करके कुछ पोस्ट देख रही थी तो मेरे सामने दीपिका से रिलेटेड एक पोस्ट आया जिसमें इट वॉज रिटन कि शी इज रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड एक्ट्रेस। कोई तो टैबलॉइड में शी वॉज रैंक्ड एंड थोड़ा ग्लैमराइज करके इट वॉज रिटन इन दैट पोस्ट, बट आई वॉज हैप्पी टू रीड इट बिकॉज बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज हो रही है, ये अच्छी बात है। पर आफ्टर फ्यू मिनट्स बैक टू बैक मुझे सिमिलर पोस्ट देखने मिले विच वॉज अबाउट दीपिका, एंड कुछ देर बाद केन्स फेस्टिवल से रिलेटेड एक पोस्ट मुझे दिखा जहाँ पे इट वॉज रिटन कि कैसे दीपिका को केन्स के लिए इन्वाइट किया गया है, एंड ये कितनी बड़ी बात है क्योंकि हर एक्ट्रेस को ये चांस नहीं मिलता। नाउ अंडरस्टैंड आई एम नॉट डिनाइंग कि ये फेस्टिवल्स काफी ग्रैंड होते हैं, पर होता क्या है ना कि ये सारे हमारे सिनेमा से रिलेटेड फेस्टिवल्स नहीं है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तब मोस्टली वहाँ इम्पोर्टेंस हॉलीवुड स्टार्स को दिया जाता है, एंड बाद में दूसरे कंट्रीज के जो एक्टर्स होते हैं ना वो मोस्टली एज ब्रांड एम्बेसडर वहाँ गए होते हैं। जैसे ऐश्वर्या जब लोरियल के साथ कनेक्टेड थी तब शी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड शी वेंट एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर लोरियल एंड शी वॉज नॉट इन्वाइटेड बिकॉज वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। तो ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है कि बॉलीवुड एक्टर्स को ऐसे इन्विटेशंस वो नहीं देते, जबकि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के केस में ये क्राइटेरिया नहीं होता। वहाँ के सेलिब्रिटीज को यूजुअली एज ब्रांड एम्बेसडर बुलाया नहीं जाता, पर फिल्म इंडस्ट्री प्रोफेशंस का टैग देके बुलाया जाता है। तो इन अवे लोरियल जिस जिस देश में अवेलेबल है, जैसे टर्की, देन थाईलैंड, देन इंडिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे देशों के ब्रांड एम्बेसडर्स को इन्वाइट किया जाता है। नॉट बिकॉज वो एक्ट्रेसेस है एंड अपने अपने देश में काफी फेमस है, बट बिकॉज दे आर लिंक्ड टू लोरियल, एंड ऑफकोर्स ये बड़ी बात है, पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में हॉलीवुड हमेशा ऊपर रहता है, दूसरे सेकेंडरी। बट जब ये पीआर टीम इसके बारे में पोस्ट करती है ना, तब दे राइट कि ओनली दिस एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड इज इन्वाइटेड टू केन्स एंड कोई दूसरा बॉलीवुड सेलिब्रिटी केन्स के लिए इन्वाइटेड नहीं है, तो वो ये नरेशन आपके दिमाग में डालते हैं कि शी इज सो फेमस कि वहाँ के लोग भी उसे इन्वाइट कर रहे हैं। सो सच्चाई यही है दैट शी इज वर्किंग फॉर अ ब्रांड एंड दैट ब्रांड इज इन्वाइटेड। तो ऐसे हाफ इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि एज अ व्यूअर वी गेट इम्प्रेस्ड, एंड एक पर्सन जो पहले ऐश्वर्या या सोनम के केस में न्यूट्रल था, वो क्योंकि बार बार ऐसे पोस्ट देखता है जहाँ उनकी तारीफ हो रही है एंड ये कहा जा रहा है कि वो केन्स में जा रहे हैं, सडनली उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है एंड वो स्लोली एक लाइकिंग डेवलप करने लगते हैं ये एक्ट्रेसेस की तरफ। अभी दीपिका भी केन्स में गई है, बट उसका सिनेरियो इज थोड़ा डिफरेंट। शी इज एक्चुअली फेमस देयर। अभी इस साल के फेस्टिवल में शी वॉज इवन सिलेक्टेड एज अ जूरी मेंबर। बट हाँ, इससे आपको समझ गया होगा कि एक नरेशन सेट करना एंड ऑडियंस को मैनिपुलेट करना क्या होता है। अभी सारा के बारे में बात करें तो माई थिंकिंग अबाउट हर इज शी इज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, बट देन आई रियलाइज कि आई डोंट नो हर पर्सनली, तो वाई आई थिंक लाइक दैट। लेटर आई सॉ एक पैटर्न देखने मिल रहा है कि सारा का हर एयरपोर्ट लुक जो होता है ना, मोस्टली दैट इंक्लूड्स इंडियन अटायर्स। अभी इससे क्या हो रहा है कि ऑडियंस क्या देख रही है कि सारा इज वेयरिंग इंडियन अटायर एंड जूती।
तो वो डाउन टू अर्थ एक्ट्रेस का नरेशन यहाँ क्रिएट होता है, जिसे देख के लोग बोलते हैं कि कितनी सिंपल है ये। अभी तुम बोलोगे कपड़ों में क्या है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमेज बिल्डिंग में सब आता है। हाउ अ सेलिब्रिटी ड्रेसेस, हाउ शी टॉक्स, वॉक्स, इंटरैक्ट्स विद मीडिया, एवरीथिंग। अभी बिफोर सारा मोस्टली एक्ट्रेसेस वेस्टर्न लुक्स को प्रेफर करती थी फॉर एयरपोर्ट, बट वो जो गैप था जहाँ पीपल वॉन्टेड टू सी इंडियन अटायर्स ऑल्सो, वो सारा ने फिल किया है एंड ऑडियंस लव्ड हर फॉर इट। कोई भी क्लिप खोल के देख लो, यू विल सी एटलीस्ट वन कमेंट विच सेज कि शी इज रिप्रेजेंटिंग आर कल्चर, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, बट दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। पीआर टीम मोस्टली ट्राइज टू पिक ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट देयर सेलिब्रिटीज। वो ऐसे ही क्लिप सर्कुलेट करते हैं जिसमें उनके एक्ट्रेसेस कोई हम्बल काम करते हुए दिखाई दे रही हो। इफ यू आर वंडरिंग ये कैसे होता है, तो इंस्टाग्राम की बात करूँ तो फैन पेजेस जो होते हैं ना, उनका अपना एक ग्रुप होता है। कुछ फैन पेजेस एक्चुअली जेन्युइन होते हैं, बट अदरवाइज मेजोरिटी टाइम्स ये फैन पेजेस सेलिब्रिटीज के पीआर टीम से लिंक्ड होते हैं। तो इन लोग एक इंस्टा ग्रुप बनाते हैं एंड सारे फैन पेजेस को उसमें इंक्लूड करते हैं। लेटर अगर मीडिया में कुछ नेगेटिव न्यूज फैल रहा होगा अबाउट दैट सेलिब्रिटी, तो फटाक से पीआर टीम स्टार्ट्स वर्किंग। दे क्रिएट एन आर्टिकल शोकेसिंग ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट सेलिब्रिटी एंड देन ये ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं। ग्रुप पे पोस्ट करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट फैन पेजेस क्रिएट इंस्टा पोस्ट एंड सर्कुलेट इट ऑन देयर पेजेस। एंड ये जो पेजेस होते हैं ना, वो ऑब्वियसली ऐसा प्रिटेंड नहीं करते कि हम इनके फैन पेजेस हैं। वो किसी और नाम के अंडर एट टाइम्स फंक्शन करते हैं, जैसे कि मीम पेज हो गया या फैक्ट पेज हो गया। तो क्योंकि इतने सारे लोग इसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, तो ऑडियंस के पास फिर ये इतने बार पहुंचता है कि वो नेगेटिव न्यूज जो है ना, वो किधर तो दब जाती है ये सब के बीच में। लेटर इनमें से ही कुछ लोगों के और भी पेजेस होते हैं एंड एट टाइम्स टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, दे ओनली कमेंट बिलो सम पोस्ट सेइंग कि हाउ हम्बल शी इज, हाउ पीपल कैन डिमीन हर एंड ऑल दैट। एंड जब एक ऑडियंस ये सब कमेंट्स पढ़ता है, तो उसके दिमाग में भी ये थॉट बैठ जाता है एंड वो अज्यूम करता है कि शायद इस सेलिब्रिटी को इस केस में फंसाया जा रहा है। दिस इज हाउ यू गेट ब्रेन वॉश्ड। एंड पहले भी मैंने बोला था कि एक इन्फॉर्मेशन चाहे झूठ क्यों ना हो, पर बार बार अगर आप वो चीज़ को सुनते एंड देखते रहोगे ना, तो आप उसे सच मानने लग जाते हो। अभी ये पीआर गेम मोस्टली एवरीवन डज दैट, सिर्फ एक्ट्रेसेस नहीं पॉलिटिशियंस भी करते हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग पीआर टीम, बट डाउनसाइड इसका ये है कि जैसे बीच में वो व्हाइट सब्सटेंस को लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तब यही सारे पोस्ट की वजह से देयर इमेज गॉट करेक्टेड। इससे क्या होता है ना कि अगर एक सेलिब्रिटी ने कुछ गलत भी किया है, फिर भी वो उससे निकल जाता है। जैसे एम्बर जॉनी की केस में हुआ था कुछ साल पहले, उस टाइम पे शी वॉज रॉन्ग, पर उसकी इमेज पीआर टीम ने तभी ऐसी बना दी थी दैट शी इज अ वेरी नाइस वुमन हु केयर्स फॉर एवरीवन। इतना स्ट्रॉन्ग नरेशन था एंड इस चक्कर में गलत पर्सन को ऑडियंस ने सही मान लिया एंड जो विक्टिम था उसे इन अ वे इनडायरेक्टली सजा हुई। आई होप दिस एग्जाम्पल गिव्स यू ऑल द क्लैरिटी हाउ एट टाइम्स ब्रेन वॉशिंग ऑडियंसेस कैन बी अ मेस। भारती जो कॉमेडियन है, उसके केस में भी इट हैज हैपेंड। वो जब व्हाइट सब्सटेंस के केस में इन्वेस्टिगेट हो रही थी, तब पीपल वेर एंग्री ऑन हर, बट लेटर जैसे ही मामला शांत हुआ, तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि धीरे धीरे सब जगह भारती के बारे में एक पॉजिटिव नरेशन देखने मिल रहा था। अभी तक आई गेट सच पोस्ट ऑन माई फीड्स जहाँ भारती को प्रेज किया जा रहा है। तो यहाँ वो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव बातों को आपके दिमाग से निकाल के ये नए बातों से रिप्लेस करने का ट्राई कर रहे हैं। अनन्या पांडे के केस में भी आई गेस इमेज करेक्शन हैपेंड। व्हेन शी स्टार्टेड, तब के इंटरव्यूज अगर आप देखोगे तो यू वुड नोटिस कि एट टाइम्स पर्पसली शी यूज्ड टू एक्ट डम एंड ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मुंडे इन चीजों से अनअवेयर है। एंड क्योंकि ऑडियंस उसकी बातों पे हंसती थी, तो शी माइट हैव थॉट कि दे फाइंड दिस बिहेवियर ऑफ हर्स क्यूट। फॉर टाइम बीइंग इट वर्कड इन अ फेवर, पर पति पत्नी एंड वो के प्रमोशंस के दौरान इट बैकफायर्ड। इस मोमेंट पे पीआर टीम अंडरस्टूड कि टू मच हो गया है, नाउ वी हैव टू चेंज द नरेशन। इसलिए आपको गहराइया के प्रमोशंस के दौरान अनन्या के एटीट्यूड में एंड बिहेवियर में एक डिफरेंस देखने मिला होगा। शी वॉज मोर मेच्योर दिस टाइम एंड इट इज वर्किंग इन अ फेवर ऑल्सो। पीपल आर टेकिंग अ वर्क सीरियसली नाउ। आलिया के साथ भी ये हुआ था, इनिशियल मिस्टेक्स की वजह से आलिया को ऑडियंस सीरियसली नहीं लेती थी, बट इमेज रीबिल्डिंग के दौरान ऑल द नरेशन अबाउट हर वेर चेंज्ड। एंड अभी अगर आप देखोगे तो आपके माइंड में आलिया को लेके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, पर वही जब उसने डेब्यू किया था तब आपका पर्सपेक्टिव क्या था, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको समझा भी नहीं होगा कि कब आपका थिंकिंग बदल गया उसको लेके। सो ऑल दिस इज नो डाउट बेनिफिशियल फॉर सेलिब्रिटीज, बट अगर एक्सट्रीम हुआ ना ये सब, देन इट कैन बी रॉन्ग। And celebrities are not wrong here, they are just doing what they have to do. But as audience, we need to be aware also, कि जब आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो इंस्टा पे, तब you have to understand कि all this is glamorized and half information is only provided. Don't get brainwashed by that. Don't let this PR team manipulate you in changing your stance. Because this industry में image is everything. जिसके पास power है, वो aggressively अपने PR को push कर सकता है to keep them relevant in media. And दूसरे celebrities जो ये afford नहीं कर पाते या newcomers होते हैं, वो इसमें दब जाते हैं। क्योंकि at times PR team खुद के celebrities को praise करने की जगह opposite celebrities के against भी agendas चलाती है to defame them, and ये होता है। पहले के टाइम पे जब सोशल मीडिया नहीं था, तो इतना अग्रेसिवली ये सब नहीं होता था, बट तभी भी टीवी वाया या टैबलेट्स की मदद वाया लोग ये सब करते थे। तो किसके बारे में कुछ अच्छा पढ़ोगे या बुरा पढ़ोगे, तो ऐसे ही ट्रस्ट मत कर लेना उसके ऊपर। सो या दैट्स इट, डू लेट मी नो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पीआर गेम। ये आपके साथ भी कभी हुआ है क्या, गिव इट अ थॉट।
कि पहले कोई सेलिब्रिटी को आप इतना पसंद नहीं करते थे पर अभी आपकी वो फेवरेट है बिकॉज ऑफ द नरेशन दैट दे हैव सेट. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.